हेलो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। तो आज 25 दिसंबर है और ये कल रात का वीडियो है। और हमारे सभी चर्च में ना 24 दिसंबर को रात के टाइम प्रेयर होता है, तो कल रात को हुआ था। और जब ये प्रेयर का टाइम ख़त्म होता है तो 12 बज जाता है, तो मतलब 25 दिसंबर हो जाता है। और फिर उसके बाद हम चर्च में बहुत टाइम तक थोड़ा बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। तो चर्च तो बहुत ही सुंदर से फादर ने लाइटिंग का काम करवाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूर में भी देखिए तो बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इसी दिन का इंतज़ार मुझे रहता है, इसी रात का इंतज़ार रहता है पूरा साल में। ये इस दिन को मैं मतलब 25 दिसंबर के रात के टाइम, 24 दिसंबर को रात के टाइम, 25 दिसंबर सुबह में फिर जब चर्च में आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुझे जीसस से बहुत प्यार है फ्रेंड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं जीसस की बेटी हूँ। और देखिए हमारा चर्च देखिए बहुत प्यारा दिखता है फ्रेंड्स, रात के टाइम में भी, दिन में भी। तो दिन में भी मैंने आज सुबह भी वीडियो बनाई, तो पूरा आपको दिखाऊंगी चर्च में थोड़ा थोड़ा क्या क्या हम मतलब करते हैं। तो जब ये वीडियो मैं शूट कर रही थी रात के करीब 1 बज चुका था। तो फिर घर जब हम गए तो यही मतलब 1:30 तक हुआ था, ठीक है। और फिर यहाँ पे ना फ्रेंड्स सब मतलब अलग अलग जगह पे ना जिसको जैसा डांस आता है वो डांस करते हैं, मज़ा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये डांस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं आता, लेकिन दिखने में बहुत प्यारा लगता है। और फादर हर साल मतलब ये पिछले साल भी इस तरह से ये अरेंजमेंट किया था फादर ने, तो इस बार भी फादर ने ये अरेंजमेंट मतलब रखते हैं। चर्च ख़त्म होने के बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर केक खाते हैं हम। वो देखिए हमारा चर्च बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, और ये जगह भी ना चर्च का जितना मतलब ये बहुत मतलब जगह है हमारे यहाँ, तो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है फादर ने, बहुत अच्छा लगा है। तो हमारे चर्च में ना 2 गेट है, और ये पीछे का और एक मतलब साइड में ये गेट है। यहाँ पे भी लाइटिंग का काम किया है, मतलब ये चर्च मतलब चर्च तो अच्छी तरह से पूरा लाइटिंग के मतलब लाइट की वजह से ना एकदम जैसे दिन जैसा हो जाता है, इतना मतलब लाइट होता है। और हमारा पूरा जो ये गांव है, गांव नहीं है एक्चुअली, तो ये भी पूरा लाइट से ना एकदम मतलब दिन जैसा हो जाता है। और ये आज सुबह का वीडियो है चर्च में जब हम आए थे फिर से प्रेयर करने के लिए। तो प्रेयर ख़त्म होने के बाद सब जब घर में मतलब जा रहे थे हम, तब मैंने फिर लास्ट में ये फिर से वीडियो बनाई। तो आज मैं सोच रही थी कि पूरा आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बाहर से ऐसा दिखता है दिन के टाइम, और बहुत मतलब क्या बोलूँ फ्रेंड्स, मैं 25 दिसंबर को इतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए इस बार फादर ने बहुत प्लांट्स लगवाए हैं, और कुछ प्लांट में फूल आए हैं और कुछ प्लांट में अभी भी मतलब आना बाकी है, छोटे छोटे हैं। तो पूरी तरह से जब ये फरवरी तक पूरी तरह से अच्छे से खिल जाएगा मतलब सभी में, और बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ पर देखिए बहुत टाइप के फूल लगाए हैं, मतलब प्लांट्स लगाए फादर ने लगवाए हैं। यहाँ पर एक जीसस की मूर्ति को यहाँ पे रखा है, और बहुत ही अच्छे से फादर ने डेकोरेट किया है, करवाए हैं सभी, और बहुत टाइप के प्लांट्स लगाए हैं। मुझे मेरे चर्च में ना ये जो क्रोटोन के कुछ प्लांट्स है इतना पसंद है मुझे, इसके लीव्स इतना शाइन करता है, बहुत ही हेल्दी है। ज़मीन में कुछ भी प्लांट्स हम लगाते हैं ना तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होता है। यहाँ पर देखिए स्टैंड के ऊपर भी पॉट में मतलब प्लांट्स लगाए हैं, और यहाँ पर ज़मीन में भी लगवाए हैं। और क्रिसेंथेमम के प्लांट बहुत ज़्यादा लगवाए हैं फादर ने, तो पूरी तरह से जब खिलेगा ना तो बहुत सुंदर दिखेगा और भी ये जगह। और यहाँ पर बहुत सारे रोज़ प्लांट है, और एक साइड में भी बहुत मतलब रोज़ प्लांट है, तो बहुत बड़ा जगह है। मैं थोड़ा सामने से ही आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर एक बहुत पुराना बुगनविलिया के प्लांट है,
और ये काउ शेड है जहाँ पर हमारे जीजस ने हमारे लिए मतलब जहाँ पे जन्म हुआ था हमारा जीजस का, तो वो काउ शेड हर साल हम बनाते हैं, फादर यहाँ पे बनवाते हैं। और देखिए ज़मीन में भी कितने ज़्यादा प्लांट्स लगाए, मतलब इस बार तो बहुत 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 ज़्यादा फादर ने प्लांट्स लगवाए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और देखिए और इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ ना गाना चल रही है फ्रेंड्स कि क्या बताओ, बातें करना भी मुश्किल होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। बस साल में तो यही एक दिन होता है जो हम इस तरह से मनाते हैं, तो बहुत खुशी की मतलब खुशी होता है, एक अलग सा खुशी मिलती है, और बहुत मेरा मन तो बहुत खुश रहता है इसी दिन, ना गुस्सा आता है ना दुखी होती हूँ, हमेशा मुस्कुराती हूँ और मन हमारा बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैं गॉड से प्रे करती हूँ, मेरे जीजस से, कि इस दुनिया में सभी इस तरह से खुशी से रहे, और जो बुरे रास्ते पे चलते हैं जिनके लिए हम हमारे जीजस इस दुनिया में आए हैं, तो हम प्रे करती हूँ को जो बुरे रास्ते पे चलते हैं वो सीधे रास्ते पे आए, और बस जीजस के ऊपर विश्वास रखे, और जीजस हमारे सभी दुनिया के सभी को बहुत ही अच्छे से रखे। बस यही शेयर करना था फ्रेंड्स। ओके बाय।